दिल्ली वायु प्रदूषण की गंभीर मार झेल रहा है। AQI लगभग 480 के पार जा चुका है। चारों ओर सफेद चादर छाई हुई है। दिल्ली की जहरीली हवा के बीच 23 करोड़ रुपए की लागत में लगाया गया स्मॉग टावर धूल फेंक रहा है। इधर कनॉट प्लेस में लगा स्मॉग टावर बंद पड़ा है, पंखों पर धूल जमी हुई है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां दिल्ली सरकार पर जमकर आरोप लगा रही है। ये दिल्ली जनता जो आज सफर कर रही है इतना, तो ये आप जो पीछे देख रहे हैं इतना बड़ा स्मॉग टावर, ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों से बना हुआ है। और आज जो दिल्ली में चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो, हर कोई इससे प्रभावित है। तो इसके लिए हमारी जो पार्टी है उसने आज यहाँ पे बेड़ा उठाया कि पूछने के लिए ये सवाल कि जो इतने पैसों से दिल्ली की जनता से ये स्मॉग टावर बना है तो आज वो बंद क्यों है, तो इसकी क्या पैरवी है। ये मुहिम उठाई है कि ये जो पोल्यूशन है ये इतना बढ़ता जा रहा है और हर साल पोल्यूशन होता है। स्मोक टावर बंद है, आप यहाँ पर आए। स्मोक टावर बंद है और जब से बनी है तब से बंद है। ये जनता के पैसे से इन्होंने स्मोक टावर खरीदी बनाई इन्होंने और वो आज तक बंद पड़ी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, उनकी सरकार से पूछना चाहता हूँ, उनके मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ कि ये स्मोक टावर बंद क्यों है, क्यों पैसा लगाया गया इन पे, वो पैसा कहाँ गया वो? और ये अगर खरीदी है तो देख के क्यों नहीं खरीदी? इसमें टेक्निकल फॉल्ट है या इसके स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, तो ऐसी चीज खरीदी क्यों गई? जनता का पैसा है ये, जनता को गुमराह किया जाता है। जनता को गुमराह किया गया और जनता के पैसे को वेस्ट किया गया। इन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा तो करप्शन बंद करूँगा और सबसे ज़्यादा करप्शन इन्होंने करी। आप देखिए करप्शन इन्होंने इतनी करी कि सारे के सारे मंत्री इनके जेल चले गए। नेशन मिरर के लिए दिल्ली से शिवम पांडे की रिपोर्ट।